तन्हा मैं हो गई यारा, ऐसा लगा मुझे पहली दफा। तन्हा मैं हो गई यारा, हूँ परेशान सी मैं, अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हो तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। बेसिकली लकीली मैं शफल करती रहती हूँ हमेशा काम के लिए इन बिटवीन बॉम्बे एंड हैदराबाद, वेर इन माई 70% ऑफ वर्क इज आई वुड स्टे स्टिल इन हैदराबाद। बट रिसेंटली मैंने दो चीज़ें बॉम्बे में शूट करी थी, जिसमें से एक म्यूज़िक एल्बम थी जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। सो आई शॉट फॉर दैट एंड उसके बाद मैं अपने काम के लिए हैदराबाद गई थी। एंड द मिनट आई गॉट बैक आई गॉट टू नो दैट फिर से लॉकडाउन होने वाला है। सो इट रियली ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज इंडस्ट्री में आई वुड से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ, मैं लोगों से बात करके उनके बारे में जानने में और सोसाइटी में क्या चल रहा है यू शुड हैव अ चेक। सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव गॉन बैक टू देयर सिटीज़। अपनी जब लॉकडाउन वन हुआ था बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने शहर वापस चले गए थे, एंड उसके बाद जब एक लॉकडाउन खुला वहाँ से वापस आना कुछ लोग वापस आए, एंड नाउ अगेन इट्स अ लॉकडाउन टू। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ऑनेस्टली अपने वर्क फ्रंट पे, एंड इट्स वेरी सैड बट देर इज़ नो सॉल्यूशन टू इट। एंड ये चीज़ आप सरकार को बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि यू नो ये वो वट एवर यू नो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में, बट आपको खुद देखना चाहिए कि आप कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। क्या आप मास्क पहन रहे हैं, क्या आप सैनिटाइज़र्स या फिर जो भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, क्या आप हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं। सो लॉकडाउन वन के बाद लोगों ने फॉलो नहीं किया, बट आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन बॉम्बे इन द पास्ट वन ईयर। आई थिंक ये मुंबई अब वो मुंबई नहीं रही जो हम पहले देखते थे, वेयर पीपल वर लाइक यू नो जगलिंग एवरी डे इधर से उधर, उतनी चहल पहल नहीं है। एंड नाउ लॉकडाउन टू इज़ देयर, बट जस्ट वॉन्ट टू से दैट एवरीबडी मस्ट टेक प्रिकॉशंस एंड इंटरनेट का यूज़ करिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि इंटरनेट अवेलेबल है, यू नो। जी जी हाँ, मैंने अभी एक म्यूज़िक एल्बम के लिए शूट करा है जो मुंबई में ही था कुछ 3 हफ्ते पहले, एंड इट इज़ डन। एक गज़ल के लिए शूट करा है, सो आई होप इट कम्स आउट टू बी रियली नाइस एंड रियली सून, और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम लोग फिर से कनेक्ट हो। आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, ऑफकोर्स शूट्स आर ऑलवेज एक्साइटिंग बिकॉज दैट इज़ समथिंग यू वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा आई शॉट फॉर अ वेब फिल्म, जो एक चैनल पे आने वाली है जिसका नाम है बॉली फिल्म। इट्स अ राज कुंद्रा का आई थिंक चैनल, राज कुंद्रा जी का ही चैनल है वो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। उस वेब का नाम है हाले दिल, एंड इट्स अ स्वीट लव स्टोरी, एंड आई थिंक उसके लिए हम एक और सेशन करेंगे जहाँ पे वी टॉक मोर अबाउट इट, बट लेट्स सी व्हेन दैट कम्स आउट, बिकॉज अगेन इट वाज टू रिलीज ऑन द 15th of April, बट ऑफ कोर्स लॉकडाउन हो गया एंड वी कुड नॉट डू इनफ पीआर। उसके बारे में कुछ बता सके आपने?
जी प्रियंका की नई बुक आई है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे भेजी भी है जी, एंड मेरी पूरी फैमिली को भेजी गई है वो बुक, एक्सटेंडेड फैमिली टू माय फैमिली एंड ऑल ऑफ अस, सो वी आर वेरी प्राउड। एंड उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है अपनी लाइफ के बारे में, एंड आई एम स्टिल रीडिंग इट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। आई विश हर ऑल द लक and she has already achieved so much in her life, making our country proud, and I hope and wish that she achieves whatever more she wants to achieve in her life, in her career, and over all and above I just want her to stay happy, like really happy. That's one thing I wish for her always, I always have and I always will, and the book is rocking guys, you must read it. देखिए जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, एंड पोस्ट लॉकडाउन पीपल हैव स्टार्टेड डिपेंडिंग मोर ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सो अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि अगर ये पेंडेमिक आज से 30 या 40 साल पहले आया होता, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल प्लेक्स थिएटर्स थे या कुछ मल्टीप्लेक्स थिएटर्स थे और इंटरनेट यूट्यूब तो बिल्कुल ना के बराबर था, या ऑनलाइन कोई साइट पे जाके फिल्म देखना इट वाज इम्पॉसिबल, एक ऐप पे जाके फिल्म देखना वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो ऑफकोर्स एक इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए हैं, बट आप उनको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। एटलीस्ट मैं हमेशा ही लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन रही हूँ और बहुत ही आई फील मोटिवेटेड ऑन माई ओन, सो आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे कि एटलीस्ट अगर आप थिएटर नहीं जा सकते बट एटलीस्ट यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर टेलीविजन स्क्रीन्स एंड द गिवन ओटीटी एप्स एंड यू कैन वॉच द फिल्म्स बिकॉज एंटरटेनमेंट मस्ट गो ऑन। सो या